आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टॉपिक के बारे में। जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टॉपिक पर बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इसको बहुत अलग अलग नज़रिए से लोग बात करते हैं। कई बार लोग शर्माते हैं, कई बार लोग इसको कैरेक्टर से जोड़ देते हैं कि हमें सेक्स से रिलेटेड टॉपिक पर अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोग बुरे लोग हैं। ऐसा कई बार लोग अपने मन में बातें रखते हैं, लेकिन आप जान लें ये लाइफ की एक प्रोसेस है जिसमें हम बड़े होते हैं, हमारी सेक्सुअल जो नीड्स होती हैं वो भी हमारे बॉडी का एक पार्ट होता है, और इसलिए एक बेहतर सोसाइटी बनाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें एक परफेक्ट सिटीजन होने के लिए, एक परफेक्ट किसी देश का नागरिक होने के नाते हमें सेक्सुअल रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उसकी भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। वरना क्या होता है, फ्रस्ट्रेटेड इंसान बहुत तरीके की गलतियां करता है। इसलिए अच्छा है कि हम सोशल जो इश्यूज हैं उनको साइड में रखते हुए हम सेक्स से रिलेटेड टॉपिक्स पर खुल करके बात करें, क्योंकि जब हम बात करेंगे तभी हमारे मन में जो अंदर चल रहा है उसको हम किसी से शेयर कर सकते हैं। फिर हमें पता चलता है कि उसमें कौन सी बात सही है, कौन सा बात गलत है। कई बार हम अपने तरीके से किसी चीज़ को लगते हैं डिफाइन करने। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बातें किसी से कह नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं कहीं वो हमसे गलत तो सोच नहीं बन रही है। तो इसीलिए अपने से बड़े लोगों से बात करने से, एक टीचर से बात करने से, एक फ्रेंड से बात करने से, तरीके से इस सेक्स या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी देने से हेल्दी सोसाइटी डेवलप की जा सकती है। यही वजह है कि अब आपके एज ग्रुप में आपको सेक्स से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में परिचय कराया जाना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इस एज में कौन कौन सी चीजें हैं जिससे आपको बचना है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप आराम से इसको नॉर्मल फेनोमेनन आप समझिए, कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको अवॉइड करके चलना चाहिए, वो सारी चीजें आप के साथ हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर। और एक बात और भी आपको बताएं, ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ दिया जाए, कई बार क्या होता है कि गांव में जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं वो लोग डिलीवरी से लेकर के अपनी भावनाएं रखने लगते हैं। कई बार फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उनको उनके साथ अलग तरीके से बिहेव किया जाता है, उनको बुरा माना जाता है। तो मैं इन सारी चीज़ों को समझते हुए, इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए मैं आपके साथ बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, और मैं आपको क्लियर भी कराऊंगा कि ये लाइफ का पार्ट है सेक्स, ये रिप्रोडक्टिव जो आपका लाइफ स्पैन है वो भी लाइफ का एक पार्ट है, इसको गलत नहीं समझा जाना चाहिए। और इसमें हम क्या करें क्या ना करें, किन चीज़ों से बचें, उन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। इवन अब तो गवर्नमेंट ने बहुत अलग अलग तरीके से रूल ला दिए हैं। अब क्या होता है, कई बार होता है ये है कि एक हेल्दी मीन्स अभी एडोलसेंट एज में जाने वाला लड़का किसी लड़की के साथ टीज कर देता है, उसे कुछ सेक्सुअल मीन्स कुछ इस तरीके की अगर बात कह देते हैं तो वो भी अब रेप के केस में माना जाने लगा है। तो इसलिए आपको हर एस्पेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि किस चीज़ को कहना है, किस चीज़ को नहीं कहना है। आपकी बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, मैस्ट्रोबेशन को गलत मानते हैं यूथ, तो ये अपने मन में कई तरह की गलतियाँ हैं। पीरियड्स को देख करके अभी यंग एज से जो एडोलसेंट में जो आगे बढ़ रही फीमेल मीन्स फीमेल जो गर्ल्स जो हैं हमारे सोसाइटी में उनको बहुत सारी बातें पता नहीं होता है, तो वो घबराती हैं, उन्हें लगता है कि बॉडी में क्या ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं। तो इसलिए इस पर खुल करके बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम खुल करके बात कर पाएंगे तो ही हम आपको हर तरीके से हेल्दी बना सकते हैं। और इसीलिए WHO ने एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, एक है कंप्लीट हेल्थ के लिए, कंप्लीट हेल्थ में उसने बोला है कि आप हर तरीके से आप स्वस्थ हों, सिर्फ फिजिकली फिट होना जरूरी नहीं है, मेंटली सोशली भी फिट होना जरूरी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी WHO ने प्रॉपरली बोला है कि टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, हर तरीके से आप जब पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे तो ही आप एक रिप्रोडक्टिवली आप हेल्दी पीपल कहलाएंगे। इसमें आपका फिजिकल एस्पेक्ट जिसमें आप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक हों, आप
जब कोई पर्सन, मान लीजिए वो रिप्रोडक्टिव, उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक होंगे, वो फिजिकली फिट होंगे, तो ही वो नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए फिजिकल वेल होना ज़रूरी है, इमोशनली भी फिट होना ज़रूरी है। आप समझ लें, सेक्स या इससे एस्पेक्ट्स, इस एस्पेक्ट से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, वो सिर्फ फिजिकल नीड पूरा करने के लिए नहीं होती हैं, ये एक इमोशनल पार्ट है। इसकी वजह से हमारे सोसाइटी में शादियां होती हैं, एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है, हमारे लाइफ को एक स्टेबिलिटी मिलती है। तो इसलिए इमोशनल एस्पेक्ट्स पर भी इसको सोचा जाना चाहिए। बिहेवियरल, आप हर किसी के बारे में गलत ना सोचें। आप आगे एक मेडिकल स्टूडेंट के रूप में जब आप आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में बहुत सारी गंदगी चल रही होती हैं, सेक्सुअल एस्पेक्ट्स पर वो लोगों के बारे में गलत गलत धारणाएं रख लेते हैं। वो किसी भी फीमेल को देखते हैं, उनके मन में सेक्स की इच्छाएं जगने लगती हैं, चाहे वो एक छोटी सी बच्ची हो या 60+ ईयर की एक ओल्ड फीमेल हो। तो ऐसी भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सेक्सुअली हेल्दी होने का मतलब यह है कि आप इमोशनली भी फिट हों, बिहेवियर आपका सही हो, आप किसी के बारे में भी गलत ना बोलें। आपको सोसाइटी प्यार करने का अधिकार देती है, आप उसे प्यार समझ करके करें। लेकिन हर किसी को आप सिर्फ फिजिकल नीड के लिए सोच रहे हैं, तो उससे भी रोकने का भी प्रयास इस पार्ट में शामिल है। आपका मतलब हम सभी, क्योंकि जब हम इस एस्पेक्ट को सही तरीके से समझेंगे तभी हम एक हेल्दी सोसाइटी बना सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार रेप में इनोसेंट गर्ल्स के साथ बहुत बुरा होता है, अगर उनको प्रॉपरली अगर काउंसलिंग किया जाए, उन लोगों के बारे में देखा जाए, तो वो सेक्स के डिफरेंट एस्पेक्ट को उन्होंने कभी समझा ही नहीं है। इसलिए हेल्दी सोसाइटी को बनाने के लिए हर एक पार्ट का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, और जब ये सारी चीज़ें कंबाइंड होती हैं तभी जा करके एक हेल्दी सोसाइटी बनता है। और इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है, इसी को समझते हुए WHO ने ये डिफिनेशन दिया है। हम बार बार सोचते हैं कि हमारे वहाँ तो एजुकेशन कभी अच्छा रहा नहीं, हमारे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज कभी रही नहीं। हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं कि दुनिया में दूसरे लोगों ने सबसे पहले काम किया, हम बार बार उनका पीछे बस फॉलोअर्स के तरीके से हम काम करते, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया ने एक फील्ड में बहुत अच्छा काम किया, दुनिया से पहले आगे निकल करके काम किया। शायद उस समय की हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी रही होंगी, उसकी सोच ऐसी रही होगी। इंडिया ने दुनिया में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग के बारे में पहली बार कानून लाया, फैमिली प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने का के लिए प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए प्रॉपर एक बिल इंडिया ने सबसे पहले लाया दुनिया में। उसके बाद इंडिया की इस सफलता को देखते हुए दुनिया के दूसरे देशों ने इसे फॉलो किया। तो फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट दुनिया में सबसे पहले इंडिया ने लागू किया। कब लागू किया? 1951। बाद में चलकर के गवर्नमेंट ने, चूंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे वहाँ समस्याएं भी बहुत बड़ी हैं, पॉपुलेशन और उससे जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर भाई हम आगे चर्चा करेंगे वन बाई वन। तो शुरुआत में तो इसके फैमिली प्लानिंग में सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से एस्पेक्ट पर बात किया गया था कि फैमिली को कैसे प्लान किया जाए, इसलिए जागरूक किया जाए। बाद में इसको और ब्रॉड किया गया। इसको ब्रॉड कैसे किया गया? फैमिली प्लानिंग में सिर्फ फैमिली की प्लानिंग, यानी वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के एक मेल और फीमेल के बीच के ही टारगेट को रख करके फैमिली प्लानिंग 1951 में इंट्रोड्यूस की गई। आगे चल करके देखा गया जो फीमेल है, चूंकि हम गरीब देश से आते हैं तो उसके लाइफ में बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे कंट्री ने ग्रोथ करना शुरू किया, हमारी इकोनॉमिकल स्टेटस बढ़ी है, वैसे वैसे अब आज की रेट में आपने देखा होगा मिड डे मील, ऐसी लड़कियां जो समय से पहले स्कूल छोड़ देती हैं, उनके लिए भी आंगनवाड़ी में जाकर के आयरन और फोलिक एसिड के टैबलेट्स दिए जा रहे हैं, ताकि उनका बॉडी इतना हेल्दी रहे कि आगे वो एक बेहतर तरीके से जब मदर बने, माँ बने, तो बेहतर तरीके से बेबी को कैरी कर सकें और एक हेल्दी सोसाइटी को डेवलप कर सकें। इसी तरीके से कैल्शियम सप्लीमेंट्स, डिवॉर्मिंग वर्म्स, बच्चों के पेट में कीड़े बहुत सारे हो जाते हैं क्योंकि वो जमीन से उठाई गई चीज़ों को खाते हैं। तो हुआ क्या, सोसाइटी ने जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे अलग अलग योजनाएँ लाई गई, बहुत सारे इसमें डेवलपमेंट हुए। स्टार्टिंग में सिर्फ सेक्स
और फैमिली प्लानिंग को ध्यान में रख करके इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे आज के डेट में उसमें और भी इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, आयरन सप्लीमेंटेशन, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स, आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स। अब गवर्नमेंट ये भी नए प्रयास कर रही है कि इंडिया में सर्वाइकल कैंसर बहुत बड़ा कारण है फीमेल के डेथ का, और उस सर्वाइकल कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल प्रॉपरली अपने आप को कैरी नहीं करती हैं, क्योंकि उस दौरान हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाती, तो इस वजह से सर्वाइकल कैंसर भारत में बहुत कॉमन है। क्योंकि प्रॉपर हेल्थ केयर उस समय नहीं मिल पाने के कारण सर्वाइकल कैंसर की गुंजाइश बढ़ रही है, इसलिए भारत सरकार अब पैड्स, जो वेजाइनल पैड्स होते हैं, उनकी संख्या मीन्स अब उसको फ्री और या सस्ते रेट पर प्रोवाइड करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मदर को, यानी वो जो सो कॉल्ड जो पहले हम एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को और वो भी जो मदर बनेंगे उनके बारे में ध्यान करते थे, अब क्या है उससे पीछे के दौर से ही एक फीमेल के हेल्थ पर ध्यान दिया गया है। इतना ही नहीं, फीमेल के बाद आगे के भी एस्पेक्ट्स पर भी अब ध्यान दिया जाता है। जो बच्चा पैदा हुआ है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे, उसके प्रॉपर हेल्थ का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों को अब हम डिफरेंट तरीके से अब हम एक्सपेंड करते जा रहे हैं। आज के डेट में इतना इम्पॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है कि आप एज ए मेडिकल स्टूडेंट इसको कम्युनिटी मेडिसिन करके एक पूरा एक टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप आगे पढ़ेंगे। मैं इसके बस एक हल्का सा आपको आइडिया दे रहा था कि सिर्फ फोकस हमारा सेक्स तक नहीं है, उसके पहले भी है, उसके बाद भी है। और यहाँ तक कि फैमिली प्लानिंग के बाद इंडिया ने जो सबसे बड़ा प्रोग्राम लाया वो था RCH प्रोग्राम, जिसमें रिप्रोडक्शन के साथ साथ चाइल्ड के हेल्थ केयर को भी इंक्लूड किया गया। तो RCH प्रोग्राम में क्या किया गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम लागू किए गए। अब हम बात करें कि हम इस टॉपिक में क्या बात कर सकते हैं, तो आप देखते हैं ना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकता हूं इस टॉपिक में, क्योंकि मैं जब आपकी उम्र में था या आपसे और छोटा था, तो जो बॉडी में जब चेंजेस होते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, जेनेटल हेयर्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, पहली बार इजैकुलेशन क्यों हो रहा है सीमेन का, ये सारी चीजें डर पैदा करती हैं। तो यही जरूरत है कि जब बच्चा छोटे से जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, जब एडोलसेंट ग्रुप में जब आता है, 12-13 साल का होता है, तो पेरेंट्स को, उसके उनके फ्रेंड्स को, उनके टीचर्स को ज़्यादा एक्टिवली उनके साथ पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर इस समय अगर हम उनको एनर्जी को प्रॉपर सही डायरेक्शन में शेप नहीं दिए, तो वो कई तरीके के फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं। उन्हें लगता है कि कई तरीके से उनके बॉडी में ये चेंजेस क्या हो रहे हैं, तो उसके बारे में उनको उनसे खुल करके बात करने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि इसमें कुछ चीज़ें तो एकदम नॉर्मल है, अगर कोई मैस्टर्बेशन कर रहा है तो नॉर्मल चीज़ हो सकती है। लेकिन ये गलत चीज़ है कि आप किसी भी फीमेल को लेकर के आप गलत सोच रहे हो, ये गलत चीज़ है। आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपका बॉडी बिल्डअप करता जा रहा है, और आपको आप किसी भी फीमेल के साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, तो इस ये चीज़ नहीं ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक सेक्स एजुकेशन की वजह से ही आपको मिल सकता है। तो यही वजह है कि अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनको डिफरेंट एस्पेक्ट्स, सेक्स रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, उस पर खुल करके बात करने की ज़रूरत है। तो इसका एम क्या है आज के डेट में RCH प्रोग्राम्स का, इसमें पब्लिक को भी, ख़ास तौर पे क्या, इसमें भी जो शादीशुदा लोग हैं उनको बताना है। लेकिन उससे पहले, चूंकि आप जिस एज ग्रुप हैं उसके बारे में बताऊं, जो मैं अभी आपको बताते हुए चल रहा हूं, कि आपको पूरी तरीके से जागरूक रखना, खुल करके बात करना। इतना ही नहीं, जिनकी मैरिज हो गई है उनको डिफरेंट तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूजेस के बारे में बताना, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना, उनके होने वाले जो बेबी हैं, जो बच्चे हैं जो छोटे, उनके हेल्थ के बारे में बताना, उनके माल न्यूट्रिशन, उनके न्यूट्रिशन, उनके डिफरेंट तरीके के जो उनकी बॉडी के ग्रोथ के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, उनके लिए जागरूक करना। तो ये RCH प्रोग्राम का टारगेट है। तो इसमें पब्लिक अवेयरनेस लाना, इसके लिए आप देखते होंगे ऑडियो वीडियो एड्स आते हैं, अलग अलग तरीके के पैम्फलेट्स या न्यूज़पेपर में आप एड्स देखते हैं। इसके अलावा आप स्कूलों में अब ये बात कही जाती है, कई बार लोग इसको धर्म से जोड़ लेते हैं, कई बार लोग इसको कल्चर से जोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सेक्स हमारे लाइफ का पार्ट है, इसके बारे में गलत सोच रखना पूरी तरीके से गलत है।
सेक्स एजुकेशन के लिए स्कूलों में ही इसकी शुरुआत की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके करने से लोगों के मन में भ्रांतियां जो हैं, एक्चुअली क्या है, आप टॉपिक पर, किसी भी टॉपिक पर कैसे बात कर रहे हैं ये मायने रखता है। वही चीज़ें आपको नॉलेज दे सकती हैं और वही चीज़ें आपके दिमाग को बिगाड़ सकती हैं। एक प्रॉपर शेप में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में सेक्स एजुकेशन बेहद ज़रूरी है। अगर आपको सही जानकारी रहेगी तभी आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकेंगे। अनवांटेड प्रेगनेंसी भी एक भारत में, मींस भारत में नहीं, वर्ल्ड में आपने देखा होगा कि 18 ईयर्स से पहले ही बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वहाँ पर प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो सेक्स का एजुकेशन बहुत ज़रूरी है समाज को हेल्दी बनाए रखने के लिए। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा सोसाइटी में आगे चल करके कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूजेस, चूंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में इतनी सारी भ्रांतियां हैं, इतनी सारी गलत जानकारी है कि उस पर बहुत खुल करके बात करने की ज़रूरत है। लोग अपने अपने तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स लोग बनाते हैं, ये खा लो, ऐसे रह लो, वैसे सोच लो, और बाद में पता चलता है कि फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो अबॉर्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि आप किसी की लाइफ के साथ नहीं खेल सकते हैं। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नेचर की ऐसी देन है जिसके साथ हम खेल नहीं सकते। तो ये है क्या, यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्शन के द्वारा हम बर्थ को ही या प्रेगनेंसी को ही रोकने की, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने की कोशिश करें। इनफर्टिलिटी आपने देखा होगा, जहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसी के साथ साथ हम तमाम ऐसे लोगों को देखते हैं जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, मम्मी पापा माँ, ये शब्द सुनने के लिए परेशान हैं। इनफर्टाइल होने की तमाम वजहें हो सकती हैं, उन पर भी अब काम किया जा रहा है। तो ये देखना कि एक्चुअल में क्यों कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, क्या उसके बॉडी में फैलोपियन ट्यूब प्रॉपर शेप में है या नहीं है, क्या मेल का रिलीज होने वाला सीमेन सही है, सही मात्रा में उसमें स्पर्म है या नहीं है, स्पर्म प्रॉपर मोटाइल है या नहीं है, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए कि इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि इनफर्टिलिटी का कारण फीमेल नहीं होती, लेकिन बाज कह करके, एक गाली जैसा शब्द जोड़ करके फीमेल की पूरी जिंदगी खराब कर दी जाती है। तो इनफर्टिलिटी का कारण मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस नहीं होने की वजह से कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं। आज के डेट में इसका इलाज है, अगर इनफर्टिलिटी फीमेल के द्वारा है तो हार्मोनल बैलेंस बना करके आप देखेंगे। जब आप एज मेडिकल स्टूडेंट, आप गायनी की बुक्स में आपका एक टॉपिक मिलेगा जिसमें आप इनफर्टिलिटी को आप पढ़ेंगे डिटेल में, किस तरीके से हार्मोन्स की ट्यूनिंग बढ़ा करके ओवुलेशन बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी फीमेल के लाइफ में माँ बनना पॉसिबल नहीं है, या कोई मेल है तो फादर नहीं बन सकते हैं। आगे हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिफरेंट तरीके के टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में, अलग अलग एस्पेक्ट पर हम चर्चा करेंगे, कहाँ कैसे किया जा सकता है इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट, उस पर भी हम इसी चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो ये सारी बातों को लेकर के हम RCH प्रोग्राम के साथ साथ हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हम चर्चा करते हैं। एक और बात आपको बताऊं कि एक फीटस जो माँ के पेट में जो डेवलप हो रहा है, इतना ही नहीं, इनफर्टिलिटी, ये STDs के बारे में जानकारी, ये सब तो हो गया। अब मान लीजिए कोई मदर प्रेग्नेंट हो गई, तो बच्चे का डेवलपमेंट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके लिए भी अलग अलग तरीके से जांच होनी चाहिए। माँ को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उस पर भी पूरा ध्यान होना चाहिए। इतना ही नहीं, डिलीवरी कहाँ होनी चाहिए, इस पर भी पूरी तरीके से हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए। वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, इंडियन गवर्नमेंट चाहता है कि मोर देन 80% जो डिलीवरीज हों वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हों, या फिर स्किल्ड पर्सन के द्वारा डिलीवरी हों, यानी मेडिकल हेल्थ प्रोवाइडर जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा डिलीवरी कराई जाए, ताकि फीमेल मोर्टेलिटी को रोका जा सके, या फिर जो नियोनेटल मोर्टेलिटी है उसको रोका जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से प्लान लाए हुए हैं। नॉर्मल डिलीवरी में हॉस्पिटल में 3 दिनों तक, सिजेरियन सेक्शन में 7 डेज तक। ये मैं आपको एज ए मेडिकल स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट ने लागू किया है। तो सोचिए, फैमिली प्लानिंग का कितना छोटा सा ऑब्जेक्टिव था, आज बढ़ते बढ़ते ये बहुत बड़े लेवल पर लाया गया है, और इसको अगर ईमानदारी से लागू किया जाए तो हमारी सोसाइटी, हमारा भारत बहुत आगे जा सकता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी हेल्दी बनी रहे, जो लोग जन्म लें वो लोग हेल्दी लोग हों। तो मैंने आपको बताया कि मदर के
वॉर्म में, यूट्रस में पल रहे बच्चे का ग्रोथ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई क्रोमोसोमल एनोमली तो नहीं है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके से अल्ट्रासाउंड और डिफरेंट और तरीके होते हैं जिसके द्वारा चेक किया जाता है। इसमें एमनियोसेंटेसिस भी एक प्रोसेस है, एमनियोसेंटेसिस, इसके द्वारा कॉन्जेनाइटल एनोमलीज, तमाम तरीके के जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको रूल आउट करने की कोशिश की जाती है एमनियोसेंटेसिस। लेकिन आज के डेट में क्या है, एमनियोसेंटेसिस का कुछ लोगों ने फीमेल सेक्स जानने के लिए कि फीटस फीमेल है या मेल है ये जानने के लिए इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, यानी इसका मिसयूजेस अब स्टार्ट हो गए हैं। तमाम लोग इसमें क्या करते हैं, फीमेल फीटस है क्या, उसका सेक्स क्या है, उसको जानने की कोशिश करने लगे, तो ये सब गलत चीज़ें हैं। हालांकि इंडिया ने कुछ अच्छे भी काम किए, तो एमनियोसेंटेसिस का एक अपना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है। इसके द्वारा एडवर्ड पटाउ, डाउन सिंड्रोम, इन सारे कॉन्जेनाइटल एनोमलीज के बारे में जन्म से पहले ही पता चल जाता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक जन ने फ़ोन किया, एक बच्चा डिलीवर हो चुका था, उसका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट था। अगर वो जन्म से पहले ही पता चल जाता तो शायद ऐसे बच्चों के लिए लाइफ के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं हो पाता। हम जानते हैं ना, जितनी बेकार इस तरीके की जो प्रेगनेंसीज जो होती हैं, जो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रही थी, उनको अवॉइड करने का अपना तरीका होता है, ताकि हम सोसाइटी में जिन लोगों को जन्म दें वो लोग हेल्दी लोग रहें, वो लोग स्वस्थ रहें। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जन्म से पहले मदर और फीटस की प्रॉपर हेल्थ का स्टेटस लगातार पता रहे। एमनियोसेंटेसिस उसी को सपोर्ट करती है, लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, तो इसलिए अब इस पर बैन लगाया गया है कि फीमेल फर्टिसाइड का, मीन्स फीटस का, आप फीमेल का सेक्स पहले जान करके उसको अबॉर्ट करने की जो टेंडेंसीज थी उनको पूरी तरह डिस्करेज किया गया है। इतना ही नहीं, भारत ने कुछ और भी अच्छे काम किए हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने कॉन्ट्रासेप्टिव का एक ऐसा तरीका लाया जहाँ कॉन्ट्रासेप्टिव्स पहले या आज भी हर दिन लेने पड़ते हैं, अब उसमें और भी अलग अलग सुधार आए हैं। डिपॉट, मैं उसके बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब क्या है, और बहुत अलग अलग तरीके से किए गए हैं कि फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्रग इनटेक कम किया जाए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में, जिसमें भारत ने बहुत बड़ा योगदान किया, कंट्रीब्यूशन किया सहेली के द्वारा। सहेली किसने डेवलप किया है, CDRI लखनऊ ने। CDRI का फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करें तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर इंडिया के एस्पेक्ट्स में, हालांकि पूरी दुनिया में जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन इंडिया में जनसंख्या क्यों बढ़ा, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। अभी तक का जो भी टॉपिक था मेरे लिए काफ़ी, या हम सभी के लिए, एक हम हिंदुस्तान के सिटीजन हैं तो हमारा देश तभी स्वस्थ होगा जब लोग स्वस्थ होंगे, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होंगे, मेंटली हेल्दी होंगे, फिजिकली हेल्दी होंगे, तो उन सारी चीज़ों को हमें समझना होगा। इसलिए इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट चलेंगे, हम बात करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में।